हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल वड़ा, वो भी विदाउट फ्राई किए हुए। यानी इसमें ऑयल का बहुत कम यूज़ होगा, इसे कोई भी बड़े आराम से खा सकता है। इसे मैं बनाऊंगी तवे पे। ये बहुत ही मसालेदार और चटपटे से बनते हैं, तो इस नॉर्मल चने दाल की बड़े को एक चटपटा और मसालेदार टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें किन किन मसालों का और किस तरीके से बनाया है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चने दाल बड़ा। चना दाल बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी चने की दाल ली है, जिसे रात भर मैंने भिगोया था और फिर साफ पानी से धो लिया है। आप चाहें तो रात भर अगर नहीं भिगोना है तो आप इसे कम से कम 5 से 6 घंटे भिगोएं। आप सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी दालचीनी मिक्सी जार में और थोड़ी सी मैंने यहाँ काली मिर्च साबुत ली है, इसको हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए दरदरा पिस गया है, इसी तरह पीसते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने ऐसे काट लिया है बीच से, और 1 इंच अदरक जिसे मैंने छिलके ऐसे छोटे टुकड़ों में काटा है, इसे भी मैं इसी में पीस लूंगी। अदरक भी पिस गया और हरी मिर्च भी। अब हम इसमें दाल डालेंगे। इस दाल को भी हमें दरदरा थोड़ा रखना है, महीन नहीं पीसना है। दाल भी पिस चुकी है, ये देखिए एकदम महीन नहीं की है, इसको मैंने दरदरा रखा है थोड़ा। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब पिसी हुई दाल में एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ मिक्स करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और मैं यहाँ 10 से 12 कड़ी पत्ते ले रही हूँ। आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हो और मिक्सी में दाल के साथ पीस भी सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप बिना इसके बिना भी बना सकते हैं, मार्केट में इजी अवेलेबल है। अदरवाइज आप इसको घर पे भी मिक्सी में पीस सकते हैं, मैंने तो घर पे ही पीस लिया था। और इसको भी इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/4 चम्मच से भी कम, और इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इस दाल को पीसते वक्त या मिक्स करते वक्त पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरे हर रेसिपी का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दाल हमारी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसके वड़े बनाएंगे। वड़े बनाने के लिए आप हाथ में पहले थोड़ा सा पानी से हाथ को गीला कर लें, ताकि चिपके ना। और अब जैसे हम टिक्की बनाते हैं उस टाइप से आप इसको बनाएंगे। साइड से थोड़ा स्मूथ कर लें फिंगर्स की मदद से। और ये देखिए हमारी एक रेडी है। इसी तरीके से हमें सारे बैटर से बड़े बनाने हैं। बड़े रेडी हैं। अब हम साइड में तवा गरम कर लेंगे गैस पे, मैंने पहले से ही कर लिया है। इस पे हल्की सी पहले ऑयलिंग करनी है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें, क्योंकि तेज पे क्या होगा, ये जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे।
जो लोग ऑयल डीप फ्राई चीज़ें मतलब नहीं खाते हैं ऑयल में, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए ये है कि तवे पे आप हल्के से ऑयल में इसको बनाइए और इसको खाने के मज़े लीजिए। बस अब इसको पकने दें, मीडियम फ्लेम पे ही हमें ये बड़े पकाने हैं। इनमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है तवे पे। अब देखिए साइड से हल्के ब्राउन दिख रहे हैं नीचे से, अब इसको धीमे धीमे आप पलट लीजिए। ये देखिए आप देख रहे हो कलर इसका कितना अच्छा आ रहा है। बस अब इसी तरीके से फिर से हम इसके साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। मैं स्पून में भर भी नहीं रही हूँ ऑयल, बस यूं करके हल्का हल्का प्रेस करते हुए ऐसे पकाएं। इसको बीच बीच में पलटते रहें ताकि एक साइड से कहीं भी जले ना। ये देखिए इधर से भी पक गया है। अगर पलटने पे आपको लग रहा है भी ये थोड़ा कच्चा है तो इसको वापस पलट के पकाएं। अब हम इन्हें पलटेंगे। ये थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं कंपैरिजन इसके कि जो हम डीप फ्राई करके बनाते हैं। मैंने डीप फ्राई दाल चना बड़े भी बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बस उसमें और इसमें इतना सा ही फर्क होता है कि वो थोड़े से इससे कुरकुरे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ डीप फ्राई हो रही है वो कुरकुरी ज़्यादा बनेगी और ये उसके कंपैरिजन कुरकुरे थोड़े से कम होंगे। लेकिन इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है जो आप देख भी रहे हो। बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आप देख रहे हो कितना अच्छा कलर आया है और ये भी कुरकुरे बने हैं। अब बस हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे एक प्लेट में। तो ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म दाल चना दाल बड़ा रेडी है। इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी ये जानने के लिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।